वाक्य सुनाता हूं आपको, फैक्ट बेस्ड। 190 मिलियन पाउंड एनसीए रिकवरी करता, ये बात बहुत गौरतलब है जनाब स्पीकर, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। 190 मिलियन पाउंड कितने पैसे बनते हैं? 50 अरब रुपए। ये बता रहे हैं अगर डॉलर कहीं रुपया बढ़ ना गया हो तो 50 अरब बनते हैं, 50 अरब रुपए। ये सुनने वाली बात है, और मैं बतौर वजीर आजम ये कौम को, ये कौम की अमानत है जो मैं आपके जरिए कौम को पहुंचाना चाहता हूं, और ये कोई ये सीक्रेट नहीं, राज नहीं है, तो काबीना का फैसला है। काबीना में ये मामला उठा और सेक्रेटरी कैबिनेट से काबीना ने पूछा, बताइए वो जो इमरान नियाजी के ज़माने में जो काबीना की मीटिंग हुई थी और मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा ने कहा था कि वज़ीर आज़म ये आप हमसे क्या फ़ैसला ले रहे हैं, इस लिफावे में है क्या? तो उसने फिर सारा वाक़या बयान किया जनाब स्पीकर। उसने कहा कि काबीना की मीटिंग खत्म हो गई थी, आखिरी लम्हात में शहजाद अकबर साहब उठते हैं और वज़ीर आज़म के कान में कुछ खुसर खुसर करते हैं, और वज़ीर आज़म और मेंबर्स अपना काबीना के उठ गए थे, उनका बैठे, ये एक है लिफाफा, ये आपने बस इसको ओके कर दें। तो वो जो मोहतरमा जो वज़ीर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप हमसे किस बात का फ़ैसला करा रहे हैं? उनका नहीं, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आवाज कर दें। जनाब स्पीकर, मैंने तो कानून नहीं पढ़ा, कानूनदान लेफ्ट एंड राइट बैठे हैं, दिन रात कानून की बातें मेरे कानों में करते हैं, कोई इधर से गुजर जाती है, कोई इधर से गुजर जाती है, लेकिन ये तो एक बड़ा सीधा साधा एक सिंपल फैक्ट है कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में अदालत उज़्मा ने फैसला किया था कि वज़ीर आज़म का फैसला वो है जो कि काबीना का फैसला है। अब जब ये मामला आता है काबीना में और बंद लिफाफे में, मैं तफसील में नहीं जा रहा, तफसील इसकी बहुत है, वो आपको बताऊं तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बंद लिफाफा, उसके ऊपर फैसला काबीना से लिया जाता है कि ये बंद लिफाफा जो है इसको आप फैसला कर दें, इसके अंदर जो भी है आप इसको मंजूर कर दें। कभी देखती आंख ने कभी इस तरह का मंजर देखा था? सुनते कान ने कभी इस तरह का वाकया सुना था कि काबीना फैसला करे एक बंद लिफाफे में? और मैं यहाँ पर अगर उस बात को दोहराऊँ तो बात और वाज हो जाती है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहतरमान मरियम नवाज शरीफ ने कही कि खुदा ना खास्ता उस बंद लिफाफे में ये फैसला किसने लिखा होता कि अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान के न्यूक्लियर सासे बेच दो? तो जनाब स्पीकर, वो काबीना का फैसला था, या फिर फलां आदमी को जाके खुदा ना खास्ता कत्ल कर दो, ये काबीना का फैसला था, या फलां को लूट लो, ये काबीना का फैसला था, या अल्लाह माफ़ करे कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले कर दो, ये काबीना का फैसला था। सेक्रेटरी कैबिनेट ने कहा कि जनाब ये लिफाफा बंद है, ये मैं आपकी इजाज़त से खोल रहा हूँ। वो खोला, फिर काबीना ने सारा पढ़ा, वो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। जनाब स्पीकर, 50 अरब रुपया, और उनको ये जब वो खोला लिफाफा तो उसमें एक था कि इनको इजाज़त दे दें, वो कौन यार मैं नाम भूल जाता हूँ, वो ARU का कौन था, शहजाद अकबर को इजाज़त दे दें कि वो जाके NCA के साथ मुआहदा कर ले।